मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जारी तनातनी को लेकर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की घेराबंदी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सपा प्रमुख को कांग्रेस को समझाने में बहुत कम समय लगा, जल्द ही लालू यादव और नीतीश कुमार भी कांग्रेस के बारे में समझ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को जल्द ही समझ गए, लेकिन हम पहले से ही उस पार्टी के बारे में जानते हैं। आगे नित्यानंद राय ने कहा कि भारत के विभाजन का कारण गरीबी और नफरत था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कभी भी शांति, एकता, संप्रभुता, समृद्धि या लोगों के कल्याण की चिंता थी ही नहीं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को भी पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्या है। पूरा देश कांग्रेस को समझ गया है, बस यही लोग देर से समझ रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश इकाई के कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने समाजवादी पार्टी को एमपी इलेक्शन में केवल कांग्रेस को सपोर्ट करने को कहा था। उन्होंने सीट को लेकर साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी का वहां कोई आधार नहीं है। अजय राय ने कहा कि अगर आप अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा है तो आपको देखना होगा कि हर राज्य में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रहा है, इसलिए सपा को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।